हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल फॉर आपकी सक्सेस। मेरा नाम है आरती और आज हम लोग डेली करंट अफेयर सीरीज में 12 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इसकी फ्री पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप फॉर आपकी सक्सेस को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आप इसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। और जो टेलीग्राम की लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने चीनी उपकरण व डिवाइस का इस्तेमाल न करने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, उत्तराखंड। ठीक है, तो उत्तराखंड के जो सीएम है त्रिवेंद्र सिंह रावत, इन्होंने कहा है कि प्रदेश सरकार अब से चीनी उपकरणों का इस्तेमाल नहीं करेगी। ठीक है, अच्छा, अभी हाल ही में भारतीय सेना ने भी जवानों को फेसबुक, टिकटॉक समेत 89 यानी कि 89 ये जो ऐप्स हैं इन्हें यूज़ ना करने की जो है आदेश इन्होंने दिया है। ठीक है, पिछले दिनों हुई गलवान घाटी में चीनी सेना से झड़प के बाद भारत में चीनी सामान और चीनी व्यवसायों का जो है जमकर विरोध हो रहा है। ठीक है, अच्छा, बात है उत्तराखंड की, तो हमने इसके बारे में कल ही पढ़ा है कि उत्तराखंड में जो है हिमालयी तितली, जिसका नाम गोल्डन बर्ड विंग है, इस तितली को जो है अभी हाल ही में भारत की सबसे बड़ी तितली के रूप में खोजा गया है। ठीक है, और उत्तराखंड में जो है अभी चार धाम परियोजना के अंतर्गत एक चंपा सुरंग का निर्माण किया गया है, जिसका कि इसकी जो टोटल लंबाई है वो है 440 मीटर, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने भी अपने यहाँ होप और दृष्टि नामक पोर्टल को लॉन्च किया था। ठीक है, तो ये सब आपको पॉइंट्स याद रखने हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर टू है, विदेशी समाचार वितरक संगठन यानी कि मल्टी सिस्टम ऑपरेटर्स MSO ने निम्न में से किस देश में भारत के सभी निजी न्यूज़ चैनलों पर रोक लगा दी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, नेपाल। ठीक है, तो नेपाल के साथ जो है अभी भारत के जो रिश्ते हैं वो बेहद तनावपूर्ण चल रहे हैं, तो इसलिए विदेशी समाचार वितरक संगठन मल्टी सिस्टम ऑपरेटर्स ने भारत के जितने भी सभी निजी न्यूज चैनल हैं इन पे रोक लगा दी है नेपाल के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन नंबर थ्री है, BCCI ने हाल ही में अपने किस CEO का इस्तीफा मंजूर कर लिया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, राहुल चौहरी। ठीक है, तो BCCI ने भी हाल ही में जो कि इसके जो CEO थे राहुल चौहरी, इनका इस्तीफा इसने मंजूर कर लिया है। ठीक है, आपको बता दें कि जो राहुल चौहरी हैं इन्होंने 1 जून 2016 से अपना जो है पद संभाला था, और अभी CEO के तौर पर राहुल चौहरी का जो कार्यकाल है वो फरवरी 2021 तक था। ठीक है, लेकिन इन्होंने जो है अपने पद से अब इस्तीफा दे दिया। ओके, और बात करें BCCI की, तो इसका जो फुल फॉर्म है वो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। ठीक है, और इसके जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है सौरभ गांगुली। ठीक है, सौरभ गांगुली जो हैं वो BCCI के प्रेसिडेंट हैं। ओके, और आपको बता दें कि इसकी स्थापना जो है वो हुई है 1928 में, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर है, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 9 जुलाई 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जम्मू में सीमा सड़क संगठन यानी कि BRO द्वारा बनाए गए कुल कितने पुलों का उद्घाटन किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 6 पुलों का उद्घाटन किया। ठीक है, तो ये जो 6 पुल है लगभग 43 करोड़ रुपए की लागत से बनाए गए हैं, और रक्षा मंत्री ने इन 6 प्रमुख पुलों को राष्ट्र को जो है समर्पित किया। ठीक है, अच्छा, और रक्षा मंत्री जो है हमारे राजनाथ सिंह, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है? तो इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है लखनऊ। ठीक है, और बात करें BRO की, तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी जो है स्थापना हुई है 7 मई 1960। ठीक है, 1960 को जो है इसका फॉर्मेशन हुआ था BRO का। ओके, और BRO का जो हेडक्वार्टर है वो है आपका न्यू दिल्ली में, और इसके जो डायरेक्टर जनरल है उनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह। ठीक है, हरपाल सिंह जो हैं ये BRO के डायरेक्टर जनरल हैं। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर फाइव है, निम्न में से किस देश ने चीन का राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू होने के विरोध में हांगकांग के साथ प्रत्यार्पण संधि को खत्म करने की इसने घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया ने अभी हाल ही में चीन का राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू होने के विरोध में हांगकांग के साथ प्रत्यार्पण संधि को खत्म करने की इसने घोषणा की है। ठीक है, अच्छा, बात है ऑस्ट्रेलिया की, तो इसकी जो कैपिटल है वो है कैनबरा,
और यहाँ के जो पीएम है उनका नाम है स्कॉट मॉरिसन, ठीक है। अच्छा, अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के अंदर दुनिया की सबसे तेज इंटरनेट स्पीड जो है वो दर्ज की गई थी, ठीक है। इसके साथ ही आपको याद रखना है कि ऑस्ट्रेलिया का जो है एक सर्वोच्च सम्मान है ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, जिसे सम्मानित किया गया है बायोकॉन के संस्थापक किरण मजुमदार सौ को, ठीक है। और इसके साथ ही आपको याद रखना है कि 2020 की जो आईसीसी वुमेन्स चैम्पियनशिप है, इसे जीता है ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हरा के, ठीक है। और एक और पॉइंट आपको याद रखना है ऑस्ट्रेलिया से कि ग्रेट बैरियर रीफ, याद रखना ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात ने किस देश के साथ एक ओपन स्काई समझौता करने की इच्छा व्यक्त की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, भारत, ठीक है। तो आपको बता दें कि ओपन स्काई संधि जो है वो दो देशों के मध्य द्विपक्षीय समझौता होता है, जिसके तहत दोनों देश जो है अंतर्राष्ट्रीय यात्री एवं कार्गो सेवा प्रदान करने हेतु अपने अपने एयरलाइंस के लिए अधिकार प्रदान करने के लिए आपस में बातचीत करते हैं, ओके। और यह अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों एवं कार्गो उड़ानों की विस्तार को ये बढ़ावा देता है। तो आपको याद रखना है कि अभी हाल ही में जो है संयुक्त अरब अमीरात ने भारत के साथ ये ओपन स्काई समझौता करने की जो है इसने इच्छा व्यक्त की है। अच्छा, आपको ओपन स्काई एग्रीमेंट से कुछ याद आया होगा। अभी हाल ही में अमेरिका ने ओपन स्काई संधि से खुद को अलग करने की घोषणा की थी, ठीक है। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, नंबर 7 है, हाल ही में किसे 2020 का ग्रीन बिल्डिंग लीडरशिप अवार्ड मिला है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, IOC। IOC का मतलब है इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी, ठीक है। तो इसका जो हेडक्वार्टर है जो कि अभी बना है पिछले साल लॉसेन, जो कि स्विट्जरलैंड में स्थित है, ठीक है। तो इसे ही 2020 का ग्रीन बिल्डिंग लीडरशिप अवार्ड मिला है। क्यों मिला? तो आपको बता दें कि इसमें जो है रीन्यूएबल एनर्जी का यूज़ होता है पूरी तरीके से, और इस बिल्डिंग को बनाने के लिए 95% वेस्ट को रिसाइकल करके यूज़ किया गया है, ठीक है। तो इसीलिए इसे 2020 का जो है ग्रीन बिल्डिंग लीडरशिप अवार्ड इसे प्रदान किया गया IOC को, ओके। अच्छा, आपको इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन से इसको कन्फ्यूज़ नहीं करना है, याद रखना कि IOC का जो फुल फॉर्म है वो है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, ठीक है। अब बात है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की, तो इसका जो फॉर्मेशन ईयर है वो है 1894, ठीक है। और इसका जो हेडक्वार्टर है अभी मैंने बताया लाउसेन में स्थित है, जो कि स्विट्जरलैंड में है, और इसके जो अध्यक्ष है उनका नाम है थॉमस बग, ओके। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में गूगल ने गूगल प्लस को किस नाम से रीलॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, गूगल करेंट, ठीक है। तो याद रखना कि गूगल ने अभी गूगल प्लस को दोबारा से गूगल करेंट के नाम से लॉन्च किया है, ठीक है। आपको बता दें कि पिछले साल ही अप्रैल मंथ में ये जो गूगल प्लस है इसका कम यूज़ होने के कारण और सिक्योरिटी बग आने के कारण इसे बंद करने की घोषणा की गई थी। अब दोबारा से इसे गूगल करेंट के नाम से गूगल ने इसे रीलॉन्च किया है, ठीक है। गूगल करेंट क्या है? तो ये एक प्रकार का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर यूजर्स को अपने कलीग से कनेक्ट करने में और डॉक्यूमेंट एक्सचेंज करने और ऑर्गेनाइजेशन के साथ बाकी एक्टिविटी को इजीली कंप्लीट करने में ये सक्षम बनाता है, ठीक है। तो आपको इससे ये पॉइंट याद रखना है, ओके। अच्छा, बात करें गूगल की, तो गूगल का जो एस्टेब्लिशमेंट ईयर है वो है 1998, ठीक है। इसके जो फाउंडर थे वो दो फाउंडर थे इसके, एक है लैरी पेज और दूसरे थे सर्जी बिन, ठीक है। और गूगल की जो पेरेंट कंपनी है उसका नाम है अल्फाबेट, ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, गूगल ने अभी हाल ही में सोडर, ठीक है, याद रखना, गूगल ने अभी हाल ही में सोडर नामक एक एप्लीकेशन को लॉन्च किया था, जो कि लोगों के बीच सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करने में उनकी हेल्प करता था। तो इसके लिए ये गूगल ने एक सोडर नामक एप्लीकेशन को लॉन्च किया था, ये आपको याद रखना है। और इसके साथ ही गूगल ने कम दिखाई देने वाले यूजर्स के लिए एक वर्चुअल कीबोर्ड को लॉन्च करने की इसने तैयारी की है, जिसका नाम है टॉक बैक, याद रखना, टॉक बैक नामक वर्चुअल कीबोर्ड को लॉन्च करेगा गूगल। किसके लिए? तो वैसे यूजर्स जिन्हें कि थोड़ा कम दिखाई देता है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं,
क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में इंडिया ग्लोबल वीक 2020 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, ब्रिटेन। ठीक है, तो ब्रिटेन के अंदर ये इंडिया ग्लोबल वीक 2020 का आयोजन किया गया है। ओके, और पीएम मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस सत्र को संबोधित किया था। ठीक है, और ये जो इंडिया ग्लोबल वीक 2020 है, इस बार की जो इसकी थीम रही है वो है द रिवाइवल इंडिया एंड अ बेटर न्यू वर्ल्ड। ओके, अच्छा बात है ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन के अंदर जो भारतीय हाई कमिश्नर नियुक्त हुई हैं उनका नाम है गायत्री कुमार। ओके, और इसके साथ ही आपको याद रखना है कि इंडिया के अंदर जो ब्रिटेन के हाई कमिश्नर नियुक्त हुए हैं उनका नाम है फिलिप बार्टन। याद रखना, फिलिप बार्टन को इंडिया में ब्रिटिश हाई कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, अच्छा इसके साथ ही आपको याद रखना है कि जो ब्रिटेन के प्रिंस हैं, प्रिंस हैरी और उनकी वाइफ मेकल मार्कल, ठीक है, तो इनकी जो बायोग्राफी लिखी गई है जिसका नाम है फाइंडिंग फ्रीडम। ठीक है, तो फाइंडिंग फ्रीडम नामक जो बुक है इसे लिखा किसने है? तो इसे लिखा है ओमिड स्कोबी ने और कैरोलिन डुरंड ने। ठीक है, इसके साथ ही आपको एक पॉइंट और याद रखना है कि ग्लोबल वर्चुअल वैक्सीन समिट का आयोजन किया गया था अभी हाल ही में ब्रिटेन में। ठीक है, और इंडिया को रिप्रेजेंट किया था हमारे पीएम मोदी जी ने। क्लियर, नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में लग्जरी राइड के ब्रांड अम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नाम है इनका सुखवीर सिंह। ठीक है, याद रखना, सुखवीर सिंह को लग्जरी राइड के ब्रांड अम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। ओके, तो गाइस ये था हमारा आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, आई होप आप सबको पसंद आया होगा। अब बढ़ते हैं क्विज पे। तो कल हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि अभी हाल ही में किस राज्य के अंदर महा जॉब्स पोर्टल की शुरुआत की गई है? तो इसका राइट आंसर था महाराष्ट्र। ठीक है, तो आप सभी ने इसका बिल्कुल सही आंसर दिया है। आज के लिए आपका प्रश्न रहेगा, आपको बताना है कि अभी हाल ही में उड़ीसा के अंदर वंदे उत्कल जननी सॉन्ग को स्टेट सॉन्ग का दर्जा दिया गया है, तो आपको बताना है कि इस सॉन्ग को लिखा किसने है। आप अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो गाइस आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग।